गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी फिनॉल्स के एसिडिक नेचर के बारे में। हमने पढ़ा था फिनॉल्स का एसिडिटी का क्रम क्या होता है, उस पे प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या होता है। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसके बारे में बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। देखो फिनॉल क्या होता है, ये है फिनॉल, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें इसकी अभिक्रियाओं के बारे में, तो देखो एक तो होती है अभिक्रियाएं, एक होती है, मतलब ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं लेता है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं? जिनमें OH बंध का विखंडन होता है और जिनमें CO बंध का विखंडन होता है। क्या बोल रहे हैं हम? फिनॉल दो प्रकार की अभिक्रियाएं लेता है। देखो इन्हीं के थ्रू जो मैं बोल रही हूँ, तुम नोट्स तैयार कर सकते हो कि फिनॉल दो प्रकार की अभिक्रियाएं लेता है। एक तो कौन सी है? जिनमें OH बॉन्ड क्लीव होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है चलो। दूसरी कौन सी बोल रहे हैं हम? जिनमें COH बॉन्ड क्लीवेज होता है। कौन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, एक जिनमें OH बंध का विखंडन होता है, ठीक है, और दूसरी है जिनमें CO बंध या COH बंध का विखंडन होता है। तो सबसे पहली हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, सबसे पहली अभिक्रियाएं कौन सी हैं? जिनमें अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, अभिक्रियाएं जिनमें OH का बंध विखंडन होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली अभिक्रिया इसमें लिखना विलियम सन ईथर सैचुरेशन, सबसे पहली अभिक्रिया है ईथरों का निर्माण, सबसे पहली अभिक्रिया है ईथरों का निर्माण, ईथरों का निर्माण या विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर सिंथेसिस। ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें OH बंध का विखंडन होता है? इसमें एल्किल हैलाइड डाइमेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ईथरों का निर्माण किया जाता है, एल्किल हैलाइड या डाइमेथिल सल्फेट। कैसे? इसमें हम पेनिलडाइजोनियम क्लोराइड लवणों की अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से या डाइमेथिल सल्फेट से, लेकिन वो बनता कैसे है? देखो ये है फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हमने कराई NaOH से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ArN2 फिनॉल से अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी एल्किल हैलाइड या डाइमेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ईथरों का निर्माण होता है। तो इसमें क्या बनेगा? ArO
ओ आर प्लस एन ए एक्स, जुड़ गया ए आर ओ और ये आर, इसमें कैसे जुड़ेगा ए आर ओ सी एस थ्री प्लस, बाकी का क्या बन जाएगा इसमें ब्राइट बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा इसमें बाई प्रोडक्ट सी एस थ्री ओ सी ओ थ्री एन ए प्लस सी एस थ्री ओ एस ओ थ्री कॉम्प्लेक्स बनता है एन ए प्लस, हमें उत्पाद से मतलब है, ये दोनों इसमें उत्पाद बनते हैं, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो अगर इसकी बात करी जाए ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही है, देखो सोडियम फिनोक्साइड बना है और सोडियम फिनोक्साइड इसकी तरह कार्य करता है, नाभिक इसने ही किया है भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये नाभिक इसने ही की तरह कार्य करता है, इसीलिए ये SN2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। SN2 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ये वन स्टेप चलती है और जिनमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनता है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही से फिनोल्स की अभिक्रिया C2H5Cl से NaOH और H2O की उपस्थिति में कराए जाने पर फेनिटॉल बनता है C2H5, इसको बोलते हैं फेनिटॉल, फेनिटॉल बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी अभिक्रिया की, एस्टर का निर्माण। सिंपल है, एस्टर का निर्माण सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया CH3COCl से करा देंगे अपन। फिनोल की अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक अम्ल या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एस्टर बनते हैं, जैसे अपन एल्कोहल्स में बना रहे थे सेम ऐसे ही है, तो दूसरी अभिक्रिया है इसमें एस्टर्स का निर्माण, एस्टर का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में मैं क्या बोल रही हूँ कि इसमें फिनोल्स की अभिक्रिया एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर मैं सी एस थ्री सी ओ सी एल ले सकती हूँ या CH3COOH ले सकती हूँ और या CH3CO का होल ट्वाइस को एनहाइड्राइड ले सकती हूँ, सबसे एक ही उत्पाद बनता है, क्या बनता है एस्टर बनते हैं, ओ सी ओ सी एस थ्री। ठीक है, बाय प्रोडक्ट देखो अगर ये है COCl, CH3COCl है तो बाय प्रोडक्ट बनता है HCl, अगर ये क्या है अभिक्रिया में CH3COOH होगी तो NaOH बनता है NaCl, HCl नहीं NaCl, got it? अगर एनहाइड्राइड है तो हमें बनता है CH3COO Na, सोडियम एसिटेट, ये तीनों परस्पर इनके साथ क्रम से अभिक्रिया करवाने पर बाय प्रोडक्ट बनते हैं, मेन उत्पाद क्या बनता है एस्टर, क्या नाम है इसका फेनिल एसिटेट, क्या नाम है इसका फेनिल एसिटेट। नाम लिखना इसका, इसका नाम है फेनिल एसिटेट। अगर मान लो अभिक्रिया करा रहे हैं अपन ऑर्थो प्रतिस्थापी
क्या करा रहे हैं, CH3CO का होल ट्वाइस एनहाइड्राइड के साथ, तो निकलेगा क्या CH3COO माइनस। अभी क्रिया किसके साथ हुई है, NaOH H2O, बनेगा क्या और तो नाइट्रो पेनिल एसिटेट, क्या बनता है और तो नाइट्रो पेनिल एसिटेट। अब तुम इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनसे अपने नोट तैयार कर सकते हो, और तो नाइट्रो पेनिल एसिटेट। देखो अगर तुम्हें कोई भी वीडियो देखने में परेशानी होती है तो तुम अपने YouTube चैनल पे सेटिंग में जाके उसका तुम रेशो चेंज कर सकते हो, 144 1208 जो भी है तुम्हारे उसमें हाई उस पर मॉडिफाइड पर देखकर तुम वीडियोस को क्लियर, कोई भी वीडियो को क्लियर देख सकते हो, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर उसी से नोट्स बना सकते हो। ये हमने कौन से अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं जिनमें OH बंध का विखंडन होता है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रकार के अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं जिनमें
कैसे ट्राइएरिल फॉस्फेट बनता है। तो देखो उत्पाद नियम लिख किया जाना क्या बनता है, ट्राइएरिल फॉस्फेट, ट्राइएरिल फॉस्फेट उत्पाद बनता है। फिनॉल की अभिक्रिया पीसीएल 5 के साथ करवाने पर ट्राइएरिल फॉस्फेट उत्पाद बनता है। क्यों बनता है, ये फिनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है, POCl3। ये POCl3 देखो हमने 1 बिलियन में फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ हमने क्या डाला है PCl5, ठीक है। अभी अभिक्रिया इस बीकर में हो रही है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स फिनॉल्स के क्लोरोबेंजीन में बदल चुके हैं, अब ये क्लोरोबेंजीन में बदल गया कुछ और साथ में बन गया POCl3, लेकिन अभी भी फिनॉल इसमें मौजूद नहीं। वो फिनॉल वापिस से POCl3 के साथ अभिक्रिया करके ट्राइएरिल फॉस्फेट बनाता है जो कि इसका मेन उत्पाद है। तो PCl5 के साथ फिनॉल अभिक्रिया करके ट्राइएरिल फॉस्फेट बनाता है। लास्ट हम लिख सकते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हमने देखा है दुर्बल अम्लीय FeCl3 या उदासीन FeCl3 के साथ ये लाल नीला या हरा रंग देता है, लिख सकते हो इसको। हम लैब में करते हैं इस टेस्ट को, लेबोरेटरी टेस्ट। क्या है टेस्ट, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके हरा रंग देता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट है, उदासीन FeCl3 या अम्लीय FeCl3 लाल नीला हरा रंग देता है। देखो इसमें लाल नीला भी लिख सकते हो, नीला भी लिख सकते हो, नीला या हरा रंग देता है। ये हमने बात करी है आज फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिनमें हमने पढ़ा है, जिनमें हमने पहली अभिक्रिया पढ़ी थी जिनमें OH बंध विखंडन हो रहा था, ये अभिक्रिया हमने पढ़ी है जिनमें CO बंध विखंडन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो हमने इसमें देखो फिनॉल क्या है, ये है फिनॉल, ठीक है। हमने ये वाली अभिक्रिया पढ़ ली, ये अभिक्रिया पढ़ ली। अब इसमें ये अभिक्रिया है मतलब बेंजीन के समूह की अभिक्रिया तो बाकी रह गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक रिंग की अभिक्रिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक गले की अभिक्रिया है। आज हमने पढ़ ली OH बंध विखंडन की और CO बंध विखंडन की। CO बंध विखंडन इंपॉर्टेंट है इंडक्शन से, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एनिलीन बनाता है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये चारों। और PCl5 के साथ अभिक्रिया करके हम जनरली क्या बनाते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्लोरोबेंजीन नहीं बनती, क्या बनता है, ट्राइएरिल फॉस्फेट बनता है। और लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, ये FeCl3 उदासीन FeCl3 या अम्लीय FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके लाल नीला हरा रंग का विलयन देता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम इसका स्क्रीनशॉट ले किसी से नोट बना लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस बेंजीन बले की अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेंजीन जो देता है।